कही पार किसी कोई विषय नहीं करे कोई विषय किसी कही पार कोई विषय नहीं करे प्रत्येक दिन प्रोटे विषय तैयारी करते ओम ज्ञान तुमरा मुदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः बृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदेवी सत्यवतै नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 हरि हरि। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे सिख्या गुरुदेव नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्त वृंदों के चरण में यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री सनातन गोस्वामी
सबको प्रणाम कर रहे थे। किसको किसको प्रणाम कर रहे थे? वृंदावन धाम को, जमुना महारानी को, गिरिराज गोवर्धन को, भक्ति को, और लास्ट में उन्होंने श्री भगवान का नाम को उन्होंने प्रणाम किया है। इसलिए कल हम लोग श्रवण कर रहे थे जो भगवान का जो नाम है, हमारे पांच ज्ञानेंद्रियां हैं। कितना ज्ञानेंद्रियां? क्या क्या है? हाँ ये बताओ, जो आँखों को द्वारा ये नाम कैसे कल्याण करता है? कैसे कैसे जोर से बोलो। हाँ, पढ़ करके, जैसे हरे कृष्ण जो नाम है भगवान का नाम, और भगवान में कोई फर्क नहीं बल्कि हरि से बड़ा हरि का नाम। इसलिए आँखों के द्वारा जो भगवान का नाम को हम पढ़ते हैं, इसको द्वारा भगवान का नाम हमारी कल्याण करते हैं। उसके बाद में चक्षु कर्ण कान को द्वारा कैसे कल्याण करता है? जोर से। हाँ, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का नाम को सुनते हैं, ये कानों को माध्यम से हृदय में भगवान का नाम जाता है, इसको द्वारा कल्याण करता है चक्षु कर्ण। और जीवा के द्वारा बोलो। हाँ, जीवा के द्वारा जो हम भगवान का नाम को जब उच्चारण करते हैं, जब भगवान का नाम ये जीवा को स्पर्श करता है, ये जीवा के द्वारा भी कल्याण करता है चक्षु कर्ण जीवा। और ये त्वचा के द्वारा, हाँ, भगवान का नाम जब लिखते हैं, ठाकुर जी का नाम ये शरीर को स्पर्श करता है। इसलिए कोई राधे कृष्ण, कोई निकाय गौर, कोई अलग अलग भगवान का नाम को लिखते हैं, इसको द्वारा भी कल्याण करता है। और जो पंचमा था, कहते नासिका को द्वारा भी कल्याण करता है। कैसे बताओ? हाँ बोलो। लेकिन कहते ये नामों को द्वारा, प्रसाद माला तो अलग हो गया, उनका प्रसाद, उनका चंदन, उनका है ये तो हो गया, लेकिन ये भगवान का नाम कैसे कल्याण करता है? देखो, जहाँ पर हम भगवान का नाम लेते हैं ना, ये जो भगवान का जो नाम, ये शब्द ब्रह्म है, हैं? ये जो भगवान का नाम लेने पर इसका जो शब्द है, वाइब्रेशन है, वो अपने आप चारों तरफ में ये फैलता है। गुरु जी उदाहरण देते हैं, जैसे एक पत्थर उठा करके पानी में फेंको, उसमें पानी में क्या होता है, उसमें अपने आप लहरें आती हैं। उसी तरह जब हम भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, ये जो शब्द है ये चारों तरफ में फैल जाती है, हाँ, ये चारों तरफ में फैल जाती है। भगवान के नाम जाने पर ये श्वास का अंदर में भी, हाँ, नासिका को अंदर में भी ये प्रभु का नाम अंदर में भी जाता है, और इसको द्वारा भी ये कल्याण करता है। इसलिए ये शब्द का बड़ा महत्व है। सारा दुनिया जो चल रहा है ना, ये शब्दों के द्वारा ही चल रहा है। ये मोदी का इतना महिमा कि वो बिना देखे लेक्चर देता है, बढ़िया ये लेक्चर देता है। इसलिए ये सारा दुनिया वाणी को द्वारा चलता है। इसलिए जहाँ ठाकुर का नाम कीर्तन हो, हैं, इसलिए शास्त्र में बताया जो भगवान का जो नाम है, बोले मधुरम मधुरम मेतत मंगल मंगला नाम सकल निगम बल्ली सत्फल चित स्वरूपम सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलयाबा भृगुवर नर मात्र तारयते कृष्ण नाम। जो कृष्ण नाम है, कहते मधुर से भी मधुर है और मंगल से भी मंगल। इसलिए कहते ना, मंगल भवन अमंगल हरि भगवान का नाम। इसलिए जब भगवान का नाम लेते हैं, जैसे यहाँ का जो एटमोस्फायर पूरा बदल जाता है, जैसे यहाँ पर कथा हो रही, कीर्तन हो रही हैं, इसलिए पूरा के पूरा ये स्थान परिवर्तन हो जाता है। इसलिए बोले जे दिन गृह भजन देखे गृह ते गोलोक भाई, जिस दिन हमारे घर में कीर्तन कथा हो, वो उसी दिन घर गोलोक वृंदावन हो जाता है, हैं, गोलोक। इसलिए उसका हवा जब नासिका के अंदर में जाएगा ना, अपने आप अंदर के इंद्रियों को भी ये कल्याणकारी कर देता है। इसलिए जब भगवान का जो नाम है, यहाँ पर उन्होंने
एक श्लोक बताए भगवान के नाम में कितने शक्ति है, कैसे शक्ति है। बोले विकृष पुत्र अघवान जद अजामिलपि नारायण तिमिंद्रियम यांग मुक्ति। यहाँ पर उदाहरण दिया, कहते भगवान के नाम में कितने शक्ति, यहाँ पर उदाहरण दिया। बोले जिस समय अजामिल अंतिम सज्जा में लेटा हुआ था और तीन जमदूत उसको लेने के लिए आए, इतने में दूर में अपना बच्चे को खेलते हुए उन्होंने जोर से बुला, बोले बेटा नारायण। जब उन्होंने अपना बेटे को नारायण नाम से पुकारा, इतने में क्या हो गया, विष्णु ऋतु आ गए, नारायण चार विष्णु ऋतु आ गए। और तीन जमदूत काय मन वाक्य से कर्म करते हैं, तीन एक तरफ में जमदूत, दूसरे तरफ में चार विष्णु ऋतु आ गए। और अंदर में उनको अंदर में खूब लड़ाई हुई, इसको कौन ले जाएंगे, लेकिन विष्णु दूतों ने जमदूतों को परास्त कर दिया है, शास्त्रार्थ के द्वारा उनको उनको परास्त कर दिया। बोले नहीं, बोले ये अजामिल वैष्णव है। अजामिल कौन है, ये वैष्णव है। बोले वैष्णव कैसे हो गए हैं, वैष्णव कैसे हो गए। बोले उन्होंने भगवान का नाम को ग्रहण किया है। बोले तो बेटे को बुलाया, वो भगवान को थोड़ी बुलाया, बेटे को बुलाया। तब उन्होंने बोले भगवान का नाम चार तरह से कल्याण करता है, कैसे कैसे बोलो बोलो, भगवान का नाम चार तरह से कल्याण करता है, इसलिए सांकेत्यम पारिहास्यम स्तोभम हेला। इसलिए कहते चार तरह से भगवान का नाम कल्याण करता है। सांकेत्यम मतलब जैसे किसका नाम को इशारा करके, जैसे गोविंद गोपाल गिरधारी राम, अगर किसी बेटा का नाम भी रख दिया, जब उसी नाम से हम बारंबार उसको पुकारते हैं, इसको द्वारा भी उसका कल्याण हो जाता है, हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भगवान के नाम कितने तरह से कल्याण, क्या देखो, बोले जिस समय उसने भगवान का नाम लिया उसका बुद्धि स्थिर नहीं था, क्योंकि उसको जमदूत गले में काल फांस को लगा कर रखा था और उसको खींच रहे थे नरक ले जाने के लिए, हैं, उसको नरक ले जाने के लिए खींच रहे थे। इसलिए विकृष मतलब तो चित्कार करके बेटा नारायण, उसी समय में उसका बुद्धि सही नहीं था। जैसे होता है ना, एक जगह पर हम बैठ करके निश्चिंत हो करके जब चैन से भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन वो जो नाम को ले रहा था विकृष मतलब चित्कार करके डर से, एक तरफ में जमदूत उसको गला में काल फांस को लगा कर खींच रहे चित्कार करके बेटा नारायण, एक चित्कार है। दूसरा क्या है, बोले पुत्रम, पुत्रम मतलब वो भगवान को नहीं बुलाया था, किसको बोल रहा था, बुला रहा था अपना बेटे को, पुत्र को बुला रहा था। तीसरा है अघवान, अघवान मतलब है बड़ा पापी था, बड़ा पापी, अपना ब्राह्मण घर में जन्म लिया, पत्नी सुंदरी कम उम्र की, देखने में बहुत अच्छी थी, उसने अपना पत्नी को त्याग दिया, रहा किसको साथ में, एक वेश्या शूद्राणी को साथ में, फिर उसका हाथों में अमेध्य कुमेध्य सब कुछ उसने भोजन किया, सारी गंदी चीज को उसने भोजन किया, हैं। फिर क्या है, उसको बाद में 10-10 बेटे हो गए, अभी बच्चों को पालन करने के लिए उसने जितने असत कर्म किया है, डाकू गुंडागिरी चोरी सारे गंदा काम किया है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं अघवान अभी, भैया इतना बड़ा पापी होते हुए भी हैं, अघवान अभी, कहते अजामिल अभी, अजामिल मतलब है, कहते पापी भी है, और ये अजा मतलब होता है, अजा मतलब भी पापी है, हैं, कहते इतना पापी होते हुए भी, लेकिन उसने जब भगवान का नाम को उन्होंने ग्रहण किया, या शिक्षा दे रहे हैं, अगर किसी तरह से भी अगर प्रभु का नाम मुंह से निकल गया ना, तुम पापी क्यों नहीं हो, चित्कार क्यों करके नहीं बोले, बुद्धि स्थिर क्यों नहीं हो, जितने जो कुछ गलत काम किया नहीं हुआ, अगर प्रभु का नाम अगर तुम्हारी मुंह से किसी तरह से निकल गया। गोस्वामी उदाहरण देते हैं, आप लोग कोई पेड़ लगाए हो कभी, कोई पेड़ फेड़ लगाए, अब देखना जैसे गेहूं नहीं तो धान का पेड़ लगाते हैं ना, गेहूं को लेकर ऐसे ऐसे क्या करते हैं खेती में, ऐसे फेंक देते हैं, कोई लगाते थोड़ी है, कोई नहीं लगाते, ऐसे ऐसे लेकर गेहूं को जमीन में फेंक देते, लेकिन वो बीज उल्टा पड़े नहीं तो सुलटा पड़े, लेकिन जो पेड़ होता है कैसे होता है,
वो सीधा होगा, भले ही उल्टा सुलटा कैसे भी वो बीज क्यों नहीं गिरे, लेकिन होगा तो कैसे वो सीधा होगा। इसका मतलब है भगवान का नाम अगर किसी तरह से तुम्हारे मुंह से निकल गया, किसी तरह से तुम्हारे मुंह से प्रभु का नाम निकल गया ना, बस भगवान का नाम क्या करेगा, ये कल्याण का कारण बन जाता है, ये मंगलमय का कारण बन जाता है। इसलिए भगवान का नाम में इतने शक्ति, भगवान का नाम में, इसलिए यहाँ पर कहते सक्री सक्री दाति जन नाम धैयम साधु नाम जहाति बंधनम। भगवान का नाम किसी तरह से अगर उच्चारण हो जाए तो सारे बंधन से प्रभु का नाम निकाल देता है। इसलिए जदात्मति तदात्मति कलौ संकीर्तन केशवम, किसी तरह से भी प्रभु का नाम उच्चारण हो कलयुग में भगवान का नाम जीव का परम कल्याण कर देता है। इसलिए यहाँ पर और एक श्लोक को यहाँ पर उद्धृत किया है, बोले अहो बत सपो च अतो गरियान, किसको किसको याद है, है याद किसको, अहो बत सपो च अतो गरियान, हाँ उसको बात में, हाँ इसलिए हाँ बोला ब्रह्माचर्य नाम गिरणित जेते, ये नाम ये साक्षात भगवान कपिल देव ये अपना माँ को कह रहे हैं, बोले माँ अहो अहो मतलब ये चीज़ को देखो अच्छे तरह से, बोले अहो भगवान खुद कह रहे हैं, अहो मतलब अगर कोई व्यक्ति प्रभु का नाम उच्चारण करते हैं, भगवान कहते हैं अहो, अहो कब हम कहते हैं, जैसे कोई आश्चर्य चीज़ हम देख लेते हैं ना, कोई आश्चर्य चीज देख दे हम भय क्या आश्चर्य है, हम कहते हैं ना भय क्या आश्चर्य हम देखा, क्या आश्चर्य देखा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं अहो मतलब है जो व्यक्ति भगवान का नाम ग्रहण करते हैं वो कितना सौभाग्यवान व्यक्ति है, कितने सौभाग्यवान व्यक्ति। इसलिए भगवान स्वयं खुद कहते अहो क्या आश्चर्य की बात है, बोले कैसे, बोले अहो बत सपच, सपच मतलब अगर कोई अच्छे व्यक्ति ले तो उसका तो बहुत महत्व है ही है, सपच मतलब होता है कुत्ते का मांस जो खाने वाले चंडाल, कहते ये कुत्ते का मांस कोई नहीं खाता है, कुत्ते का मांस कोई खाता है, नहीं खाते हैं, कौन खाते हैं, बोले चंडाल लोग खाते हैं, अत्यंत जो पापी लोग ये लोग कुत्ते का मांस खाते हैं। यहाँ पर कहते हैं अगर वो व्यक्ति कुत्ते का मांस क्यों नहीं खाए, अगर उसको मुँह से भी भगवान के नाम अगर किसी तरह से उच्चारण हो गया, बोले अहो मतलब वो कितने बड़े व्यक्ति, अतो गरियान इतना श्रेष्ठ है, बोले कैसे, बोले जत जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, है कैसे नाम, बोले जिह्वाग्रे बोले संपूर्ण जिह्वा में नहीं, जिह्वा का अग्रदेश में अगर उच्चारण हो गया, पूरा जिह्वा में नहीं, जिह्वा की अग्रदेश में अगर प्रभु का नाम उच्चारण हो गया तो कितना सौभाग्यवान वो व्यक्ति जिह्वाग्रे। कहते अगर पूरा किसका जिह्वा प्रभु का नाम लेता है, बोले उसका महिमा तो हम बता ही नहीं सकते हैं जिसका पूरा जिह्वा में प्रभु का नाम उच्चारण हो रहा है। कहते भैया जो केवल जिह्वा में प्रभु का नाम उच्चारण करता है इतना भाग्यवान, अगर कोई कानों से भगवान की कथा सुनते हैं, बोले भैया उसका तो महिमा और बहुत ज़्यादा, बोले अगर कोई व्यक्ति इन्हें आँखों से ठाकुर जी को दर्शन करते हैं, बोले वो तो और ज़्यादा भाग्यवान है। कहते अगर इन्हें हाथों से कोई ठाकुर को सेवा करते हैं, बोले वो तो और भाग्यवान है। कहते अगर कोई व्यक्ति घर से चल करके भगवान की कथा में आते हैं, बोले उसकी तो महिमा हम बता ही नहीं सकते हैं, वो व्यक्ति कितने सौभाग्यवान जो चल करके भगवान के मंदिर तक कथा सुनने के लिए आते हैं। हैं क्या समझो ऐसे व्यक्ति को, क्या समझो जो भगवान की भक्ति भजन करते हैं, समझो पूर्व जन्म में उसने चार काम करके आया है, कितना काम, क्या क्या, सारे सारे स्नान, हाँ इसलिए ये चार काम पहले करके आया होगा तभी इस जीवन में भगवान का नाम कोई ले रहा है। क्या क्या चार काम है, बोले सारे तपस्या पूर्व जन्म में कर चुका है, पूर्व जन्म में पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ है सारे तीर्थ कर चुका है, और जितने तरह तक बड़े से बड़े यज्ञ कर चुका है, और क्या कर चुका है, दान, सारे जितने तरह का बड़े बड़े दान कर चुका है, तभी इसी जीवन में कोई भगवान का
नाम को उच्चारण करता हूँ, इतने महिमा जो व्यक्ति ठाकुर जी का नाम को उच्चारण करते हैं। इसलिए आप लोग जो हरि नाम ग्रहण कर रहे हो बड़े भाग्यवान हो। कद जने पूर्व सत जन्मम वासुदेव समर्चनम, मतलब पूर्व जन्म में जिसने 100 जन्म तक भगवान वासुदेव का अर्चन किया है, बोले तन्मुखे हरिनामानी सदा तिष्ठति भारत है अर्जुन, उसकी जिह्वा में तभी हरिनाम उच्चारण हर समय वही व्यक्ति कर सकता है। इसलिए बड़े भाग्यवान व्यक्ति ही भगवान का नाम को उच्चारण करता है। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी यहाँ पर श्री नाम प्रभु के चरण में प्रणाम करते हैं, बोले श्री हरिनाम संकीर्तन की, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, गिताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि। हाँ, हमारे से चिराग प्रभु जी आज कुछ कथा सुनाएं, आ जा। हाँ तैयारी, जितना तैयार किया उतना बोल दो। ये माइक ले लो। देखो कल से ना अब जो तुम सब कितने बच्चे लोग हैं, जितना बच्चे लोग सुन लो, कल से हम श्री भगवत गीता पाठ करेंगे। क्या पाठ करेंगे? गीता। जो भगवत जो गीता है उससे जो मेन मेन श्लोक सब श्लोक को मिलेंगे, उसमें जो मेन मेन श्लोक को हम पाठ करेंगे। गीता है, गीता पढ़ने से क्या होता है, भगवान उसमें क्या अच्छे अच्छे शिक्षा दी है, इसको रोज रोज हम एक एक गीता श्लोक को कल से हम पढ़ेंगे और जो उसको व्याख्या सुनाएंगे, और सुनाने का दूसरे दिन तुम लोग कोशिश करना एक नोटबुक रखने के लिए, ठीक है? एक नोटबुक अपना है तुम लोगों के पास में, कोई नोटबुक है उसमें जो मेन 700 गीता है उससे कुछ कुछ गीता जो इम्पोर्टेंट गीता को लेंगे, तुम लोग वो गीता को अपना कापी में लिखना, ठीक है? गीता में लिखना और गीता का जो व्याख्या है उसको भी हम दिखा देंगे भगवत गीता से क्या क्या लिखना है उसको लिखना, और लिख करके कोशिश करना एक एक श्लोकों को याद करने के लिए, ठीक है? एक एक श्लोक याद करना, और जितने तुम्हारी याद रहेगा, जितना तुम्हारी याद रह सकेगा, और कोशिश करना दूसरे दिन वो गीता को बोलने के लिए, ठीक है? पढ़ लोगे ना, याद कर लोगे श्लोक, तुम भी आ जाना, कल से शुरू करेंगे, ठीक है? हाँ, कल मैं बोलूँगा, अब परसों तुम लोग जितना तुम्हारी याद रहेगा कोशिश करना बोलने के लिए, बोलो। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आदौ यदीयौ प्रथमद्वितीयौ तृतीयतुरीयौ कथितो यदूरु नाभिस्तथा पञ्चमयेन षष्ठौ पुञ्जावतं तौ युगलत्तथान्यौ कण्ठस्तुराजन्नवमो यदीयौ मुखारविन्दं दशमप्रफुल्लम् एकादशम यस्य ललाटपट्टकम् शिरोऽपि यद्वादशैव भाति। हरे कृष्णा, मैं सबसे पहले अपने परमाराध्य सद्गुरुदेव परम रसिक श्रीपाद श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में बार बार अपना माथा रखते हुए दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव श्रीपाद श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी, उनके चरणों में बार बार दंडवत अर्पण करता हूँ। श्रीमन महाप्रभु समेत समस्त गौर परिकर एवं मेरी समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ, एवं यहाँ पर उपस्थित समस्त वैष्णव विद्युत वरिण्यजन आप सभी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा, मेरे गुरुदेव ने आज्ञा दी है कि श्रीमद भागवत जी के कुछ ललित प्रसंगों पर मैं उनके द्वारा बढ़ाया हुआ कुछ प्रसाद जो उन्होंने प्रसाद कृपा पूर्वक मुझे प्रदान किया है, मैं आप तक उसको पहुंचाने का प्रयत्न करूं। आज मैं कुछ तैयारी करके नहीं आया हूं, तो जो भी ये बुलवाएंगे महाराज की कृपा से मैं बोलूंगा। देखिए, हमारे यहाँ पे बहुत सुंदर स्तुति है, श्री भीष्म स्तुति।
बारह महाभागवतों में से एक महाभागवत है श्री भीष्म। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुकशौनक भीष्मदालभ्याम एक महाभागवत है श्री भीष्म पितामह। महाराज जब युद्ध हो रहा था, जब युद्ध समाप्त हो गया था महाभारत का, पांडवों को राज्य की प्राप्ति हो चुकी थी, तो उसके बाद जब सारे के सारे लोग महाराज सारे पांडव और श्री कृष्ण समेत जब श्री पितामह भीष्म के पास गए, क्योंकि भगवान ने वचन दिया था कि आपकी जब परमगति का समय आवेगा तब मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा, तो महाराज दिव्य उत्तरायण का समय प्रस्तुत हो रहा था, श्री कृष्ण समेत समस्त महाराज पांडव और ऊपर से ब्रह्म ऋषि राज ऋषि वेद ऋषि मनीषी महाराज भीष्म पितामह के चारों ओर प्रस्तुत हो गए थे, सभी एक दूसरे को के मुख को देख करके टकटकी लगाए हुए थे कि अब श्री भीष्म एवं श्री गोविंद क्या कहेंगे। भगवान ने भगवान के दिव्य मुखारविंद को देख करके भीष्म ने दिव्य दिव्य स्तुति करी है। महाराज श्रीमद् महाभारत के दिव्य उपाख्यान के अनुसार भगवान को 1008 नाम से विष्णु सहस्त्र नाम से श्री भगवान का अर्चन किया है। श्री भीष्म ने अन्य अन्य प्रकार के क्या क्या स्त्री धर्म राज धर्मान स्त्री धर्मान पुत्र धर्मान सकीर्तिता अलग अलग धर्मों की व्याख्याएं करी है, पर भगवान को देखते ही श्रीमद् भागवत जी के अनुसार भीष्म ने अत्यंत सुंदर जो है वो स्तुति करी है। महाराज थोड़ा सा देखना पड़ेगा मुझे इसीलिए बोल पाऊंगा। इति मति रूप कल्पिता भित्रिष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुन्नी स्वसुखमुपगते क्वचित् विहरतुं प्रकृतिमुपेयुषय मति रूप कल्पिता भित्रिष्णा। साधारण अर्थ देखिए पहले तो प्रभु बिना तृष्णा के बिना किसी वासना के बिना किसी कामना के बिना किसी इच्छा के ये मति जो है मैं आपको समर्पित कर रहा हूं साधारण अर्थ। पर श्रीपाद चक्रवर्ती की टीका देखिए इति मति रूप कल्पिता भित्रिष्णा अभिश्याह तृष्णेत तद इति मति मम मतिर कल्पतरूर अहम समर्पयेत। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि ये जो मति है जिसके आज तक जो कर्म से युक्त यह मति है जिसको लेकर के मैं आपके पास आता था आपसे वार्ता करता था और इस संसार के कार्य करता था, प्रभु पहले तो आप ये भयंकर मति अपने चरणों में ले लीजिए। इसीलिए इति मति रूप कल्पिता भित्रिष्णा। हम लोग भगवान को जाकर के मंदिर में प्रणाम करते हैं, ठाकुर जी के सामने दंडवत करते हैं, अपने माथा झुकाते हैं, क्यों? क्योंकि कारण यही है, क्योंकि महाराज सारे के सारे अपवाद और महाराज सारे के सारे अपवादों का सारे के सारे महाराज पीड़ाओं का सारे के सारे विपत्तियों की जड़ ये मति है। जब तक ये मति आदर पूर्वक श्री कृष्ण चरणारविंद में अथवा गुरु के पदाश्रय में यह झुक नहीं जाती गिर नहीं जाती तब तक महाराज हमें शुद्ध भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। ये चक्रवर्ती बात कह रहे हैं। साधारण अर्थ और श्रीपाद चक्रवर्ती के अर्थ में महाराज बहुत भिन्नता है। इसलिए इति मति रूप कल्पिता भित्रिष्णा। हे प्रभु यह तृष्णा रूपी मति जो सदैव कर्म के अनुसार करते करते तृष्णाओं से महाराज अन्य अन्य प्रकार की चिंताओं से अन्य अन्य प्रकार के महाराज कर्म से महाराज क्रियाकलापों से जो युक्त थी, पहले तो प्रभु आप उस मति को संभाल लीजिए। इसीलिए भैया वैष्णव कौन है भक्त कौन है जो सबसे पहले कुछ नहीं सबसे पहले प्रसाद दे रहा है महाराज बर्फी के डब्बे चढ़ा रहा है या कुछ और चढ़ा रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले वैष्णव कौन है जो अपनी मति को श्री कृष्ण चरणारविंदों में चढ़ाते हैं। इसी कारण है इति मति रूप कल्पिता कल्पिता भित्रिष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुन्नि। प्रभु आप चराचर जगत के साक्षात जैसे दिव्य सूर्य होता है वो सूर्य सारे के सारे महाराज ओजस तेजो द्युति धरा सारे के सारे महाराज विश्व को प्रकाशित करता है,
ऐसे आप संपूर्ण लीला माधुरी के साथ पूरे के पूरे भगवत जनों को भगवत जनों के हृदय में महाराज दिव्य जो वृंदावन है उसको प्रकाशित करते हैं श्री राधा रानी के साथ। त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रवि कर गौर बरांबरम दधाने वपुरल ककुला वृताननाब्जम विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या। त्रिभुवन कमलम प्रभु तमाल वर्णम हे प्रभु जैसे दिव्य तमाल वर्ण से आप सुशोभित हैं पूरे के पूरे त्रिभुवन को आपकी दिव्य भंगिमा ने सुशोभित कर रखा है। रविकर गौर बराम बरम तथाने चक्रवर्ती पाद यहाँ गौर बराम बरम से श्रीमन महाप्रभु को संबोधित कर रहे हैं। गौर बराम बरम गौरांगे गौरांग श्री गौर सुंदर प्रभु महाराज उनको यहाँ पे अंगित करते हुए कहा है आप वही श्रीमन महाप्रभु बन करके आएंगे जो पूरे के पूरे विश्व को श्री हरिनाम संकीर्तन से आच्छादित करते हुए एक एक व्यक्ति को भगवान की दिव्य धाम तक पहुंचाने का दिव्य मार्ग प्रशस्त करेगा। इसलिए गौर वराम परम दधाने वपुरल ककुला व्रता ननाब्जम प्रभु जब आप अपनी दिव्य भंगिमा को सुशोभित करते हैं तो बड़े बड़े न्याय तर्कों का प्रतिपादन संपादन करने वाले योगिंद्र मुनिंद्रों की महाराज समाधि खुल जाती है। जब आपके दिव्य पाद जब आप रुंझुन रुंझुन करके पादों का महाराज अभिविंचन करते हुए पाद प्रक्षालन करते हुए और महाराज पाद अपने दिव्य चरणों को धरते हुए इस पृथ्वी पर महाराज गमन करते हैं तब ऊपर बैठे हुए शंकर और ब्रह्मा की समाधि खुल जाती है महाराज। इस कारण से त्रिभुवन कमनम त्वम त्रिभुवन कमनम क्योंकि श्री भगवान से सुंदर और कोई भी नहीं है ये चक्रवर्ती पाद की टीका है। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर परम बरम दधाने वपुरल कपुला व्रतानाज्यम विजय सखे रतिरस्तु में नमत्या। विजय सखे क्यों कहा विजय सखे इसलिए कहा महाराज विजय सखे सखा कौन है पार्थ पार्थ सखा उनको विजय कराने के लिए जो उपक्रम श्री गोविंद ने किया है महाराज। एक बार जब प्रतिज्ञा कर ली थी भीष्म ने कि अब तो महाराज जब महाराज दुर्योधन ने कहा था आप क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो मेरे 60 भाइयों को उस भीम ने तुरंत मार दिया है पर आप एक का भी वध करने में समर्थवान नहीं प्रतीत हो रहे हो यद्यपि आप सर्व समर्थ हो आपके एक आपके पांच बार ही पांचों पांडवों को प्राण लेने में समर्थवान है इस कारण से मुझे लगता है आप महाराज यहाँ पर पार्शलिटी कर रहे हो तो एकदम से महाराज तमक गए भीष्म पितामह कि दुर्योधन ये क्या कह रहा है मैं यदि करता हूं तो केवल मैं यदि युद्ध करता हूं तो परम महाराज स्वतंत्र होकर के करता हूं लेकिन तू चिंता मत कर कल के युद्ध में पांचों पांडव मेरे हाथ से नहीं बचेंगे। इस कारण से भगवान पांच बाण दुर्योधन को दे दिए कि ये ले पांच बाण और जाकर के अपने पत्नी को कहती हो कि मुझसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद ले ले और महाराज जैसे ही कहा तो दुर्योधन निश्चिंत होकर के सो गया लेकिन महाराज अपने भक्तों का दिव्य मान कैसे भगवान कैसे भंजन हो इस कारण से श्री कृष्ण को चिंता हुई। श्री कृष्ण ने जब चिंता करी तो महाराज अर्जुन आराम से सो रहे थे अर्जुन के पास जाकर के श्री भगवान बोले अर्जुन पता है भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है कि कल तुम पांचों भाइयों का मस्तक महाराज छेदन कर देंगे लेकिन श्री जो अर्जुन थे वो कह रहे थे प्रभु हमें क्या मतलब है हमारी रक्षा करने के लिए तो साक्षात आप विराजमान ही हैं मुझे आप परेशान मत कीजिए मुझे सोने दीजिए कल जाकर के फिर से युद्ध करना है। इतनी शरणागति है अर्जुन की महाराज। जैसे ही भगवान ने कहा भगवान बोले ये नहीं उठने वाला कृष्ण कृष्ण करते हुए अर्जुन फिर सो गए। महाराज भीम के पास गए भीम से कहा दादा उठो उठो आपको कल मार दिया जाएगा सारे पांडव समाप्त हो जाएंगे। भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली है कहा दादा ने तुम मुझको परेशान मत करो जाकर के विश्राम करो। महाराज जब सारे के सारे पांडवों से भगवान महाराज निरुत्साहित होकर के लौट गए तो महाराज वो द्रौपदी के पास श्री भगवान गए हैं। द्रौपदी जी बोली क्या हुआ कृष्ण क्या हुआ प्रभु तो कहा चल मेरे साथ तो भगवान द्रौपदी को लेकर
शिविर में गए हैं, जाकर के भीष्म पिता महाराज जैसे ही गए तो जैसे ही भीष्म पितामह का शिविर पास आया, कहा श्री गोविंद ने कि तू एक काम कर द्रौपदी, अपनी पन्हैया को निकाल करके और मेरे हाथ में दे दे, क्योंकि भगवान क्योंकि भीष्म पितामह इतने योग्य पुरुष हैं कि वे तेरी पन्हैया की महाराज आवाज से प्रतीति कर लेंगे कि कौन आ रहा है। तो जैसे ही भगवान ने उनकी पन्हैया ली और बगल में दबा ली, तो जाकर के महाराज घूंघट के घूंघट का दिव्य आवरण करते हुए द्रौपदी जब गई श्री भीष्म पितामह के पास और उनका चरण वंदन किया, तो भीष्म पितामह ने हाथ रख के कहा परम सौभाग्यवती भव। जैसे ही भगवान जैसे ही महाराज द्रौपदी को कहा परम सौभाग्यवती भव, तब एकदम से भीष्म पितामह की महाराज तपस्या वो महाराज ध्यान टूटा है, और ध्यान टूटने के बाद देखा है कि ये तो साक्षात द्रौपदी है। एकदम से समझ गए कि ये तो छलिया श्री भगवान का ही काम हो सकता है। पूछा द्रौपदी जी से कि कौन लेकर के आया तुझे, तो द्रौपदी जी ने कहा जो समस्त कारणों के कारण है जो त्रिभंग ललित श्री गोविंद है वही लेकर के मुझको आए हैं। समझ गए भीष्म पितामह ये जरूर काम, ये 400 BC का काम तो श्री गोविंद का ही हो सकता है। बुलाया भगवान के पास गए हैं भीष्म पितामह, वाह प्रभु अपने भक्त की कैसे रक्षा करनी है, अपने भक्त को शरणागत वत्सल होने का दिव्य उपक्रम कैसे प्रस्तुत करना है, यह तो कोई आपसे ही जाने। इस कारण से प्रभु भगवान ने कहा ठीक है एवं अस्तु। महाराज सुबह का समय था, एकदम से अगले दिन क्या हुआ महाराज, इस कारण से भीष्म पितामह ने उन सबको महाराज वो मार नहीं पाए भीष्म पितामह, इसलिए भगवान कह रहे इसलिए भीष्म पितामह कह रहे रथ चरण धृत रथ चरणे। आगे के श्लोक में कहते हैं कि प्रभु मुझे याद है आप मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी, जो हरि ही न शस्त्र कहाऊं तो लाजू गंगा जमनी को मैं शांतनु सुतना कहाऊं। प्रभु मैं जानता हूं मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि आज तो तुमसे शस्त्र उठवा करके रहूंगा, तो प्रभु जब मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी तो आपने मेरी प्रतिज्ञा की कैसे लाज रखी थी। महाराज पूरा का पूरा 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 का पूरा पर्यावरण महाभारत का बन गया था। सामने भीष्म पितामह ऐसे बाण महाराज बाणों की वर्षा कर रहे थे कि एक बाण के साथ असंख्य बाण जाते हैं और महाराज पांडवों की सेना का सर्वच्छेदन करके वापस आते हैं। इस कारण से जब ऐसा दिव्य उपक्रम ऐसा दिव्य घनघोर भीष्म ने युद्ध किया है, तो महाराज जब युद्ध किया है तो भगवान घबरा गए। भगवान ने कहा अर्जुन देख पूरे पूरे दृढ़ता से युद्ध कर, पर महाराज अर्जुन अपने मोह के कारण उनका धनुष नहीं उठ रहा, गांडीव हाथ से सरक रहा था। भगवान ने कहा अर्जुन ये क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है, तो भगवान कहा प्रभु मुझसे धनुष उठ नहीं रहा है। महाराज भीष्म पितामह अब दिव्य युद्ध के कारण दिव्य युद्ध करते करते सारे के सारे जब सेना पर भारी पड़ गए तो अंत में भीष्म पितामह ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर लिया। भगवान को सहन नहीं हुआ, भगवान ने कहा अर्जुन अब तू उठता है कि नहीं उठता, अर्जुन ने कहा प्रभु मुझसे गांडीव नहीं उठ रहा है, भगवान ने कहा तू तो नहीं उठाएगा। भगवान तुरंत रथ से कूद पड़े, जैसे ही भगवान रथ से कूद पड़े महाराज एक टूटा हुआ पहिया था उसको श्री गोविंद ने उठाया, उसमें सुदर्शन का आवेश आ गया। जब सुदर्शन का आवेश आ गया तो भगवान जोर जोर से चले जा रहे हैं, भीष्म पितामह दोनों हाथ फैलाए कह रहे हैं आओ चातक चले आओ चले आओ चले आओ। महाराज जैसे भीष्म दौड़े हैं पीछे जैसे श्री कृष्ण दौड़े हैं पीछे अर्जुन ने पैर पकड़ लिया, भगवान ने कहा छोड़ छोड़ अर्जुन मेरा पैर छोड़। भगवान से कहा महाराज अर्जुन ने कहा प्रभु आपने प्रतिज्ञा ले रखी है प्रतिज्ञा ले रखी है। भगवान बोले मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं है, मेरा भक्त जो प्रतिज्ञा कर लिया उसको उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करना ही मेरी प्रतिज्ञा है, उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करना ही मेरी प्रतिज्ञा है। इस कारण से तू छोड़ अपनो मान भले टल जाए पर भक्त को मान ना टलते देखा, भक्त को मान ना टलते देखा, इनको गोकुल के गोरस पर सो सो बार मचलते देखा, सो सो बार मचलते देखा, अपनो मान भले टल जाए पर भक्त को मान न टलते देखा। भगवान ने कहा मेरी प्रतिज्ञा कोई नहीं है, मेरे भक्त की प्रतिज्ञा को पूर्ण करना ही मेरी प्रतिज्ञा है। इस कारण भगवान ने अपनी सारी प्रतिज्ञा तोड़ दी, भगवान आगे बढ़े जा रहे हैं। महाराज पृथ्वी फट गई है, पृथ्वी फटते ही भगवान का उत्तरोत्तरीय श्लोक में आया है, भगवान ने अपना
उत्तरीय फेंक दिया पृथ्वी पर। चक्रवर्ती बात कहते हैं पृथ्वी पर उत्तरीय क्यों फेंका, कहा पृथ्वी से श्री भगवान ने कि तू मेरी भार्या है, तू मेरी पत्नी है, इसलिए शांत रहे। इसलिए मानव पृथ्वी को शांत करने के लिए भगवान ने अपना उत्तरीय फेंक दिया। भगवान ने जैसे महाराज दिव्य स्तुति जब श्री भीष्म से सुनी है, भगवान ने भीष्म पितामह ने कहा है रविकर गौर बराम्बरम दधाने वपुरल ककुला व्रतानाचम विजय सके रतिरस्तु में नवद्या, हे नवद्या हे रतिरस्तु में मम रति त्वत चरणारविंद समर्पयेत अस्तु, मेरी रति आपके चरणों में हो जाए प्रभु, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस पूरे के पूरे महाभारत को कोई पांडव ने नहीं जिताया है, इसको जिताया है तो आपकी दिव्य मोहिनी सूरत ने जिताया है। क्योंकि जब बड़े बड़े योद्धा महाराज धनुष पर पत्यंचा चढ़ाते तो श्री कृष्ण ऐसा मुस्कुरा देते कि उनकी चुटकियां ढीली पड़ जाती, और महाराज जैसे चुटकी ढीली पड़ती तो आगे सर्र करके बाण आगे जाता और महाराज वो अपने लक्ष्य को भेद ही नहीं कर पाता। श्री कृष्ण एक बार मुस्कुरा देते तो बड़े बड़े महाराज हथियार लेते हुए ये हथियार नीचे गिर जाते। भगवान को कहते हैं धनुर्गीत गोविंद में जयदेव गोस्वामी कह रहे हैं धनुर्पांग तरंगी तानी, इनकी बोहे नहीं है ये धनुष है और इनकी पलके नहीं है ये प्रत्यंचा करते हुए बाण है। जब ये एकदम से खुलते हैं तो महाराज नैनों के कटाक्ष से ऐसा चलता है कि जाकर के सामने वाले का हृदय भी धन हो जाता है। इस कारण से धनुरूपांग तरंग गिताने विश्व पितामह ने मंगल में स्तुति करी है। भगवान ने दिव्य महाराज बेला उत्पन्न हुई है। श्री भगवान को देखते देखते भीष्म पितामह ने अपना देह छोड़ा है। महाराज धन्य है, महाराज भीष्म पितामह धन्य है, जटायु भी धन्य है, भीष्म पितामह भी धन्य है। दोनों के प्राण श्री भगवान के रहते रहते निकल गए। यहाँ भीष्म पितामह ने अपने प्राण श्री गोविंद के चरणों में अर्पण किए हैं, वहां जटायु को भगवान ने गोदी में लेकर के उसके प्राण महाराज अपने चरणों में लगाए हैं। महाराज जटायु जी भी दिव्य है। राघव गीत गोद कर लीनो, राघव गीत गोद कर लीनो, हरि तज प्राण और समाहित वामे मधुर मधुर फल दीनो, राघव गीत गोद कर लीनो। इसी इन दिव्य शब्दों के साथ महाराज आप प्रैक्टिस भी नहीं करके आया था, जो गुरुदेव ने बुलवाया वो बोल दिया। वांछा चंद्र पतिता नाम का वंदे विष्णु रस वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम, बोल हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बोले एकदा तीर्थ मूर्धनि प्रयागे मुनि संगम माघ प्रातिकित स्नान श्री माधव समर्पित। यहाँ श्री सनातन गोस्वामी वर्णना करते हैं, अभी जब मैया उत्तरा ने श्री परीक्षित महाराज से प्रश्न की थी, मेरे को भागवत का सार तुम सुनाओ, मैं स्त्री जाती हूँ, सुखदेव गोस्वामी सात दिन तक क्या कथा सुनाए, मेरे पल्ले में कुछ पड़ा ही नहीं। तब श्री यहीं से ये कथानक रूप में यहीं से प्रारंभ हो रही है। तब श्री परीक्षित महाराज कह रहे हैं बोले एकदा तीर्थ मूर्धन्य प्रयाग मुनि संगम, कहते एक समय ये माघ की महीना, ये माघ महीना में लोग प्रयाग में कल्पवास करते हैं, एक महीना तक वहीं पर रहते हैं, सवेरे स्नान करते हैं, भागवत कथा श्रवण करते हैं, उसको पास में त्रिवेणी संगम है, हैं यहाँ पर त्रिवेणी, वहाँ पर माधव भी है, भगवान का साक्षात विग्रह भी वहाँ पर है, बेणी माधव है। अभी एक समय ऋषि मुनि लोग ने वहाँ पर स्नान किया, प्रयाग में स्नान करते हुए और बेणी माधव मंदिर में सबके सब बैठे हुए, बैठ करके आपस में चर्चा कर रहे हैं। क्या चर्चा कर रहे हैं? बोले देखो, एक दूसरों को कह रहे हैं बोले तुम बड़े सौभाग्यवान। बोले क्यों? बोले एक तब माघ की महीना है, ये माघ महीना की बड़ी महत्व है, ये माघ महीना में
फिर ये तीर्थराज प्रयाग में स्नान करना, और तीर्थराज प्रयाग क्योंकि एक साथ में गंगा यमुना सरस्वती ये तीनों नदी का जहाँ पर मिलन स्थान है। गंगा की कितना महिमा हम पहले श्रवण कर रहे थे, और उससे यमुना की कितना महिमा, बोले गंगा का जितने महिमा उससे 100 गुण ज़्यादा महिमा कहते श्री यमुना पटरानी की, फिर सरस्वती की भी बड़ी महिमा है, इसलिए उसको तीर्थराज प्रयाग कहते हैं। और ये तीर्थराज प्रयाग में फिर माघ महीना में स्नान करके उसको बाद में फिर बेणी माधव, बेणी माधव मतलब ये त्रिवेणी गंगा यमुना सरस्वती, और वहाँ पर श्री भगवान माधव जी का वहाँ मंदिर, फिर ठाकुर जी का दर्शन, कितने सौभाग्य से सब चीज होता है। एक दूसरों को महिमा को गा रहे थे क्योंकि साधुओं का जो स्वभाव है वो कभी बोलते नहीं हम बड़े भाग्यवान हैं, वो हर समय कहते हैं आप लोग बड़े भाग्यवान हो। जब ऐसे ही से आपस में चर्चा कर रहे थे इतने में एक ब्राह्मण, एक धन्यांत्य ब्राह्मण वहाँ पर आया, आ करके अपना स्त्री पुत्र परिवारों को साथ में त्रिवेणी में स्नान किया, और साथ में सालग्राम शिला लाए थे, और वो एक स्थान को गोबर मिट्टी से अच्छे तरह से उसको पोत करके ऊपर में कपड़ा चंद्रताप को वहाँ पर लटकाया, और उसको सोने के सिंहासन के ऊपर में श्री सालग्राम शिला को रखे, रख करके वहीं पर उन्होंने अपना हाथों से रोटी सब्जी दाल खीर सबके सब अच्छे तरह से उन्होंने बनाया, बना करके ठाकुर जी को तुलसी दल से गिरिराज श्री सालग्राम को उन्होंने भोग लगाया। भोग लगा करके जैसे हम मध्यान्ह में आरती होता है ऐसे उन्होंने अपना परिवार को साथ में ठाकुर जी को उन्होंने आरती किया। आरती करते हुए फिर वो जो प्रसाद था सबसे पहले जितने साधु संतों को खिलाया, उसको बाद में जितने वहाँ पर लोग आए हुए थे अपने हाथों से उन्हें सबको उन्होंने भोजन करवाया। भोजन करा के उसको बाद में जितने पशु पक्षी कुत्ते थे उनको भी उन्होंने खिलाया, और जब सब लोग भोजन कर चुके जब बाद में बच गया फिर वह प्रसाद को अपना परिवार को साथ में भोजन किया। भोजन करके वो जो सालग्राम के पास में गए, बोले ठाकुर जी आज हमने जो जो कर्म किया है ये सब कुछ कर्म हम तुम्हें अर्पण कर रहे। जब ठाकुर जी को अर्पण करते हुए जब वो चल रहे थे इतने में श्री नारद जी वो दूर से बैठ करके सारे चीज को देख रहे थे, सारे चीज को देख रहे थे। ये व्यक्ति इतने धनीमानी व्यक्ति ब्राह्मण घर में जन्म हुए लेकिन कोई अहंकार इनके अंदर में है नहीं, अपना हाथों से सब कुछ बनाए ठाकुर को भोग लगाए और सबको उन्होंने खिला करके सबको तृप्त करके जो बच गया फिर खाए, और फिर क्या किया जो कुछ किया था बोले ठाकुर जी सब कुछ तुम्हारे चरण में हम समर्पित कर रहे हैं। जब ऐसे किया ना नारद दूर से बैठ बैठ कर सब चीज़ को देख रहे थे, जब वो जाने के लिए तैयारी हुए इतने में श्री नारद जी बिना बजाते बजाते भगवान की कीर्तन करते करते पहुँचे, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय बल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद बल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी गिरधारी की जय वनवारी की जय गिरधारी की जय वनवारी बल कुंज बिहारी की जय 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 बल कुंज बिहारी हरा
राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। इतने में श्री नारद जी वहां पर आए और आ करके वो ब्राह्मण देवता की बड़ी जयकार लगाए। बोले जगत में भगवान के सबसे प्यारे अगर कोई भक्त है ना, आप ही जगत में सबसे भगवान की प्यारे भक्त हो, क्योंकि मैं अपना आंखों से देखा है। कहा इतने धनाढ्य व्यक्ति होते हुए भी कोई अहंकार नहीं आपके अंदर में, अपना हाथों से बना करके सबको भोजन कराना और उसका फल ठाकुर को अर्पण किया, आप जगत में सबसे बड़े भक्त हैं। देखो एक भक्ति का एक लक्षण है, क्या लक्षण है कि जैसे किसी वृक्ष में फल ज़्यादा आ जाए क्या होता है, वो वृक्ष अपने आप झुक जाती हैं, वो खड़ा नहीं रहती हैं। कहते उसी तरह जिसको अंदर में जितना भक्ति आएगी उसको अंदर में उतना ही दिनत आएगा, कभी उसके अंदर में कभी घमंडता नहीं आएगा। ये भक्ति की एक विशेष, ये भक्ति की ये लक्षण है। जब उनको उनकी बताया आप जगत में सबसे बड़े भक्त है, वो अपने आप झूक गए। बोले मेरे को भक्त कह रहे हो, मेरे अंदर में तो भक्ति का भक्तक भी नहीं, मैं भक्त भक्त कुछ नहीं हूँ। हाँ अगर आप भक्त देखना चाहते हो ना, आप दक्षिण देश में चले जाओ। दक्षिण देश में देखोगे कैसे विशाल विशाल श्री रंग जी के मंदिर देखोगे, जहाँ जाएंगे उधर भगवान की मंदिर दर्शन करने को मिलेगा। वहाँ पर स्वयं राजा अपना हाथों से अपना रानी अपना परिवारों को साथ में ठाकुर जी को अपना हाथों से सेवा करते हुए देखोगे। यद्यपि राजा हैं, अगर हमारे पास में थोड़ी सी ज़्यादा पैसा हो जाएगा ना, हम अगर मंदिर बनाएंगे तो वहाँ पर खुद एक पुजारी रख देंगे पैसा दे करके, बोले ये पुजारी पूजा करेगा और खुद मस्ती लेंगे। कहते आप वहाँ देखोगे राजा होते हुए भी देखोगे अपना परिवारों को साथ में अपना हाथों से वो ठाकुर जी की सेवा करते हुए देखोगे। और वहाँ पर क्या देखोगे, स्थान स्थान पर धर्मशाला एकदम खुला हुआ, हर जगह पर देखोगे भंडारा लगा हुआ है और सत्संग वहाँ होता रहता है सत्संग। और संत लोग दूर दूर से संत लोग आते हैं, आ करके जगह जगह पर सत्संग सुनते हैं, प्रसाद पाते हैं। और वहाँ पर केवल राजा को केवल नहीं देखोगे, वहाँ देखोगे जो प्रजा लोग को भी देखोगे, वो लोग सबके सब तिलक लगाए हुए देखोगे, गले में तुलसी कंठी तिलक, सबके सब देखोगे हरिनाम करते हुए सबको देखोगे। जब उन्होंने ये बात को उन्होंने सुनाए तब उन्होंने सचमुच से वीणा को उठाए और गोविंद जय जय गोपाल जय जय करते करते सीधा उन्होंने पहुंच गए दक्षिण देश में। सचमुच से उन्होंने जो सुना था ना उससे ज़्यादा भक्ति वहाँ पर देखा। अभी भी आप लोग जाओगे दक्षिण देश में, हम लोग कुछ दिन पहले गए थे वहाँ पर, देखो बच्चे से छोटे बच्चे जैसे छोटे छोटे बच्चे तिलक लगाए ना हैं कंठी, वहाँ पर देखा जो ब्राह्मण बच्चे सब ऐसे तिलक कंठी बड़े बड़े तिलक लगाए हुए हैं और सर्वत्र भगवान के नाम नारायण का नाम सब ले रहे हैं और विशाल विशाल वहाँ पर मंदिर और वहाँ पर प्रसाद वितरण हो रहा है। अभी भी आप देखोगे वहाँ में जब उनको तो 5-6-7 घंटा लग जाता है हाँ लाइन में लग कर के दर्शन करने के लिए, जहाँ जाओगे प्रसाद की व्यवस्था वहाँ पर। इसलिए उन्होंने जो कुछ सुना था उन्होंने उससे भी ज़्यादा देखा भक्ति की प्रभाव वहाँ पर। स्वयं राजा रानी परिवारों को साथ में कैसे ठाकुर जी की सबके सब सेवा कर रहे हैं। और क्या देखा वहाँ पर, ये पृथ्वी इतने प्रसन्न, वहाँ पर कोई खेती नहीं कर रहे थे। खेती नहीं करते कैसे हो रहा था, पेड़ से अपने आप जो बीज गिरता था फल गिरता था उसी से ही अपने आप सारे फल फूल से पूरा लदा हुआ लोग खा नहीं पाते थे। केले कहाँ पककर के गिर रहा है चिड़िया खा रहा है, कहा नारिकेल अपने आप पककर के सूख कर गिर रहा है खाने वाले लोग नहीं। और ये पृथ्वी इतने प्रसन्न, बोले ऐसे क्यों, बोले इसका कारण कहते हैं देखो जब पिता माता खुश रहते हैं ना क्या करते हैं बच्चों को जो मांगते हैं सब कुछ दे देते हैं। उसी तरह पिता माता कब खुश रहते हैं, जब बच्चा पिता माता की आदेश को पालन करे। जब पिता माता को मानते हैं तो पिता माता खुश हो जाते हैं ना, मेरा बच्चा कितने अच्छे हैं, तो दिल खोल करके बच्चों को देते हैं। इसलिए वहाँ पर पृथ्वी इसलिए प्रसन्न है, पूरा के पूरा देश का लोग राजा स्वयं भजन करते हैं और सबके सब प्रजा भी भगवान की भक्ति करते हैं। जब भक्ति करते हैं दुनिया किसका है, किसने दुनिया को बनाया,
किसने बनाया दुनिया को? ठाकुर ने बनाया। जब ठाकुर का तुम खा रहे हो, पी रहे हो और ठाकुर का घर में भी रह रहे हो और ठाकुर को मान नहीं रहे हो, ठाकुर जी खुश होंगे? ठाकुर जी प्रसन्न होंगे? सब कुछ खा रहे हो मेरे, दे रहा हूँ मैं सब कुछ मेरा, लेकिन तू मेरे गुरु नहीं मान रहे हो। हाँ देखो, इसलिए ये पृथ्वी इतने प्रसन्न, इसलिए भागवत में कथा आती है, एक राजा हुए हैं जिनका नाम हुआ भेण। वो इतने नास्तिक राजा हुए, बोले मेरे देश में कोई हरिनाम नहीं कर सकते हैं, कोई यज्ञ नहीं कर सकते हैं, मेरे देश में कोई भजन पूजा पाठ नहीं कर सकते। इतना दुष्ट राजा बने, इतने बदमाश राजा बने। इसलिए उसको बाद में जब पृथ्वी महाराज आए, देखा पूरा दुर्भिक्ष राज्य में अकाल पड़ गया, पेड़ पौधा नहीं हो रहा है, सस्य नहीं हो रहा है, प्रजा सारे मर रहे हैं, सबके सब हाहाकार करते हुए श्री पृथ्वी महाराज के पास में गए। महाराज, हम कोई भी बीज लगाते हैं वो होता ही नहीं, अपनी आप पृथ्वी खत्म कर देती, कहाँ चली जाती है पता नहीं चलता। तब पृथ्वी महाराज को बड़ा क्रोध आया, वो भगवत अवतार, उन्होंने धनुष उठाया, बोले पृथ्वी तुमको मैं तस नस कर दूंगा, क्यों सब कुछ हरण कर लेती हो? पृथ्वी स्वयं प्रकट हुई, बोले प्रभु बच्चे जब दुष्ट हो जाए ना, माता जी को शासन करनी चाहिए। आपसे पहले जो राजा आया था, भेण राजा आया था, वो इतने नास्तिक था, वो भगवान की भजन पूजा के लिए सबको मना कर दिया, इसलिए कोई प्रभु की भक्ति पूजा भजन नहीं कर रहे थे, इसलिए मैं सब कुछ हरण कर रही थी। लेकिन अगर आप आ गए हो, अगर आप बेड़ा उठाओगे, नहीं सब जीवों को मैं भगवान की भक्ति में लगाऊंगा, फिर मैं सब कुछ देने के लिए तैयारी हूँ। बोले कोई चिंता मत करो, मैं यज्ञ करूँगा, सब जीवों को भगवान की भक्ति में नियुक्त करूँगा। बोले ठीक है प्रभु, मेरा नाम एक रत्नाकर है, जो कुछ मांगोगे पृथ्वी सब कुछ दे सकती हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, कहते राजा का राज्य में इतने सस्य, इतने फल फूल क्यों? कारण है वो राज्य में सबके सब जीव भगवान की भक्ति कर रहे थे, भजन कर रहे थे, इसलिए पृथ्वी प्रसन्न थी। प्रसन्न होने का नाते खेती करने का कोई जरूरत नहीं, अपनी आप इतने सस्य होता था, लोग खा कर खत्म नहीं कर पाते थे बिना लगाए। इसका तात्पर्य यह है, अगर देश में हम प्रभु की भजन करें ना, भक्ति करें, पृथ्वी अपने आप हमें सब कुछ प्रदान पृथ्वी करेगी। इसलिए जब वहाँ पर श्री नारद जी गए, वहाँ पर भक्ति को देखा, देख करके तो नारद आश्चर्य हो गया, और राजा के पास में गए, बोले श्री महाराज की जय। बोले महाराज, जगत में अगर प्रभु के सबसे कोई भक्त, बड़ा भक्त आप ही हो, बड़ा भक्त हो, आप जैसे बड़ा भक्त कुछ नहीं, आप देश का राजा होकर के अपना बच्चे रानी को साथ में, आप ठाकुर का अपना हाथों से सेवा कर रहे हो, और सब जगह में अर्ण छत्र, सर्वत्र मंदिर मंदिर, सत्संग, सब जगह में धर्मशाला खुला हुआ, निश्चिंत रूप में लोग भजन सत्संग कर रहे, आप जगत में सबसे बड़े भक्त हो। जब उनको बोले सबसे बड़े भक्त, बोले मेरे अंदर में तो भक्ति का भाव तक भी नहीं, अगर आप भक्ति देखना चाहते हो क्या जाओ, स्वर्ग में जाओ, इंद्र को देखो कैसे इंद्र स्वर्ग का राजा होकर कैसे भक्ति करता है। पर ये कथा हम कल सुनेंगे, कैसे नारद जी स्वर्ग में जाते हैं और वहाँ पर कैसे उन्होंने भगवत भक्ति की महिमा कैसे देखते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, हाँ चलो रे मन से वृंदावन धाम, रहेंगे राधे रज के नाम लेंगे, we'll be right back.
Yeah.
हरे हरे।